हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकारम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BRB फोटो एंड वीडियो। तो दोस्तों, जैसा स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं 3D क्लब वाला, इसके लिए आपको है जो अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। पर दोस्तों, ये फीचर है जो हमें काइन मास्टर में भी अवेलेबल है, तो इस पर हम है जो एक पहले वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ में मैं आपको वीडियो को बना सिखाऊंगा कि एल्बम वीडियो को साथ में जोड़कर 3D क्लब वीडियो को किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन पर और 1.1 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिल स्क्रीन आपको करना है और डुअल टोन पिक्सल फोटो क्लिप्स पर आपको क्लिक करके 2 सेकंड यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। 2 सेकंड सेलेक्ट करने के बाद में आपको कुछ फोटो सेलेक्ट करने हैं। जिस भी फोटो को आप 3D क्लब में वीडियो बनाना चाहते हैं वो फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कुछ फोटोज है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाद में आपको आगे की प्रोसेसिंग बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और पूरा वीडियो आप देख लेंगे अगर तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने कुछ फोटोज है वो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्टार्टिंग पोजीशन पर आपको आ जाना है और फोटो पर क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे इंस्टॉल करना है। तो गाइस, आपको नीचे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है 3D मैप्स, ठीक है, ये नाम आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर गेट मोर पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना। तो ये वाला है जो 3D मैपर्स आपको डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से 3D में क्लब घूमेगा। तो यहाँ पर आपको सभी फ़ोटो में अलग अलग सेलेक्ट कर लेना है। आपको अलग अलग क्लिप ग्राफिक्स है जो ऐड कर लेना है, जो भी पसंद आता है वो क्लिप ग्राफिक्स आप है जो सिंपली ऐड कर सकते हैं। आपने जो भी क्लिप ग्राफिक्स यहाँ पर ऐड किए हैं, आपको टेक्स्ट वाला सही है तो टेक्स्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरे वाले में भी है इस तरीके से कर सकता हूँ। छोटा बड़ा क्लब है जो दोनों में घूमेगा, इस तरीके से राउंड वाला है, गोल वाला या फिर स्क्वायर वाला है, जो भी आपको पसंद आता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, कहीं पे भी कोई भी कमी रह जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उसको सुधारने की कोशिश कर सकूँ। और दोस्तों, सभी वीडियो है जो भी मेंबर देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और दोस्तों, एक ये वाला भी इफेक्ट है फ्लेंसर लेंथ, ये वाला भी आप है जो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक टेक्स्ट ऐड करना होगा। अगर आपको अलग अलग सेलेक्ट करेंगे, किसी में 2 टेक्स्ट ऐड करने होते हैं, किसी में 1 टेक्स्ट ऐड करना होता है, तो सब में अलग अलग तरीके से आपको है जो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सभी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर नाम लिख देता हूँ हैप्पी वेडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर हैप्पी वेडिंग लिख कर मैं सेलेक्ट करूँगा तो अलग रेड कलर में नाम कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और फॉन्ट है जो आपको पसंद आए तो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पर क्लिक करना है और आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये फॉन्ट अच्छा लगा है, तो अब दोस्तों जैसे ये प्ले होगा तो इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पर पिक्सल के ऊपर है जो फोटो को नाम लिख कर आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, तो मैं सभी में है जो अलग अलग तरीके से ऐड कर लेता हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉल में DJ वाला भी इफेक्ट आप है जो सेलेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर मैं सभी में है जो वीडियो को पॉज करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आपको आगे की वीडियो बढ़ाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो गाइस, देख सकते हैं मैं सभी में है जो अलग अलग क्लिप ग्राफिक्स है जो ऐड कर लिया। इस लास्ट वाले फोटो में भी मैं क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो को मैंने बीच में से कट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो और आप बोर नहीं हो जाए। तो अब दोस्तों, मैं प्ले करके आपको वीडियो को दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग पोजिशन पर आते हैं और प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं वीडियो कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार वीडियो बनी है। तो आप है जो इस तरीके से खुद की क्लब वीडियो वेडिंग एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस वीडियो को है जो एक्सपोर्ट कर लें। तो मैं यहाँ से इसको है जो अब आपको थोड़ा सा प्ले करके एक्सपोर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, देख सकते हैं इतना शानदार वीडियो है जो एडिटिंग हुआ है। तो अब इसको है जो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको आगे की प्रोसेसिंग बताएंगे कि किस तरीके से एल्बम वाला है जो हमें वीडियो ऐड करना है। दोस्तों, अभी तक आपने एल्बम वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाइए और देखिए, लिंक आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप है जो एल्बम वाला वीडियो है जो वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। आपको वापस से बैक आ जाना है और प्लस आइकन पर क्लिक करके 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और आपको एक बैकग्राउंड वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई सा भी आपके पास बैकग्राउंड हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड वीडियो है जो सेलेक्ट कर लिया और वो वीडियो जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर रख देना है इस तरीके से। दोनों साइड में लाइटिंग चल रही है ऊपर नीचे और आपको है जो इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो आपको आ जाना है और जितनी हमारी वीडियो है उतनी रख देनी है और बैकग्राउंड वीडियो को है जो ट्रिम कर देना है। बैकग्राउंड वीडियो को ट्रिम करने के बाद में राइट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से बैक स्टार्टिंग पोजीशन पर आपको आ जाना है। स्टार्टिंग पोजीशन पर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो
दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से कर देना है आपको। तो इसको है जो थोड़ा सा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ लेयर के ऑप्शन क्लिक करना, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना, और आपको एक है जो लेयर वाला वीडियो है वो सेलेक्ट, सॉरी एल्बम वाला वीडियो है वो सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से एल्बम वाला वीडियो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा वीडियो सेलेक्ट हो गया। तो लेयर के ऑप्शन क्लिक करना, मीडिया के ऑप्शन क्लिक करना, और आपको है जो एल्बम वाला वीडियो है जो हमने कल बनाकर वीडियो बनाई थी वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं और किस तरीके से एल्बम वीडियो हमको बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्लिक करने, फिर क्रॉपिंग का ऑप्शन क्लिक करना, मार्क्स को इनेबल करना है, और आपको है जो फीडर को फुल बढ़ा देना है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों वीडियो पर आपको क्लिक करना है और वापस से क्रॉपिंग के ऑप्शन क्लिक करना है, मार्क्स को इनेबल करना है, और यहाँ से फीडर को भी इतना आप बढ़ा सकते हैं, आपको जितना ठीक लगे उतना आप फीडर को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों मैं वीडियो को है जो एक्स्ट्रा पार्ट से उसको है जो ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, तो कैसी का आइकन क्लिक करना है और ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद में आपको है जो यहाँ पर आ जाना है और इस तरीके से है जो वेडिंग वीडियो को आपको है जो इंपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब है जो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, तो गाइस आप भी है जो इतनी शानदार क्लब वेडिंग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं एल्बम वीडियो के साथ में। तो दोस्तों ऐसी एक्यूरेट वीडियो अभी तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी, और अगर बताई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये ऐसी वीडियो किसने एडिट की है, ताकि हम उससे कुछ भी इंस्पिरेशन हो सकें और हम सीख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को है जो आपको जो भी सॉन्ग आपको पसंद आता है वो सॉन्ग सेलेक्ट, ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक करना है और सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी एक और नई वीडियो साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।